स्पोर्ट्स वॉच, बजट वॉच, ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉच, एमोलेड स्क्रीन वाली वॉच, काफी सारी स्मार्ट वॉचेस को हम रिव्यू करते रहते हैं। एंड फायरबोल्ट एक ऐसी कंपनी है जो हर डिपार्टमेंट में काफी सारी वॉचेस लॉन्च कर रही है। हर प्राइस रेंज में आपको फायरबोल्ट की काफी सारी वॉचेस मिल जाएंगी। तो आज हमारे पास आई हुई है फायरबोल्ट की दो और लेटेस्ट स्मार्ट वॉच, फायरबोल्ट स्फीयर फोर्स एडिशन के अंदर कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। तो इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी 3,000 रुपए, बट अब इसकी प्राइसिंग इंक्रीज होकर 3,500 रुपए हो चुकी है, क्योंकि वीडियो हमारी थोड़ी सी लेट आ रही है कुछ रीजन की वजह से। तो प्राइस पॉइंट के से वॉच काफी जबरदस्त होने वाली है। मैं कुछ दिनों से इस वॉच को यूज भी कर रहा हूँ। रगेड के साथ आपको एक प्रीमियम फील भी है वॉच देगी। तो अगर आप भी एक रगेड वॉच लेना चाहते हो एंड इस वॉच के बारे में और जानना चाहते हो तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। दो कलर में हमारे पास ये वॉच आई हुई है, ब्लैक एंड ग्रीन। ब्लैक को मैं कुछ दिनों से यूज भी कर रहा हूँ। बॉक्स के टॉप में फायरबोल्ट स्फीयर की ब्रांडिंग है एंड एक फोर्स एडिशन वॉच है। लेफ्ट टॉप एंड पीछे के पार्ट में कुछ फीचर्स इसके मेंशन किए गए हैं एंड प्राइसिंग यहाँ पे मेंशन है 19,999 रुपए। तो आप कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे टॉप में वॉच, यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर है इसका डॉक्यूमेंटेशन एंड पोगो पिन वाली चार्जिंग केबल। तो ये है दोनों कलर, ग्रीन एंड ब्लैक। ब्लैक टोटली ब्लैक ही आती है स्ट्रैप से लेकर डायल तक। ग्रीन में ब्लैक एंड ग्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो वॉच का लुक काफी स्पोर्टी एंड रगेड टाइप का है। ओवरऑल बॉडी इसकी प्लास्टिक बिल्ड में आती है, जितना भी ग्रीन पार्ट है टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है एंड जो टॉप ग्लॉसी पार्ट है वो मेटल बिल्ड में आता है। आई थिंक जिंक अलॉय इसमें यूज किया गया है। राइट पार्ट में पावर बटन, स्पोर्ट बटन एंड माइक्रोफोन। लेफ्ट पार्ट में स्पीकर वेंट। काफी थिक स्ट्रैप इसमें यूज किया गया है। बिल्ड काफी अच्छी है स्ट्रैप की, बट सॉफ्टनेस मुझे थोड़ी सी कम लगी इसकी एंड जो बकल है वो मेटल बिल्ड है। वेट इसका हम चेकआउट कर लेते हैं, 72 ग्राम का वेट है। तो वॉच थोड़ी सी हैवी है। तो वॉच को ऑन करके इसकी ऐप के साथ हम सेटअप कर लेते हैं। तो ऐप का नाम है क्यू वॉच प्रो। फायरबोल्ट यहाँ पे अपनी ऑफिशियल ऐप का यूज नहीं कर रही है, ये एक थर्ड पार्टी ऐप है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, ऐड डिवाइस कर लेते हैं। फायरबोल्ट 106 लिखा हुआ चुका है, क्लिक। तो वॉच पेयर हो चुकी है। तो इसमें 1.6 इंच की 400x400 पिक्सल रेजोल्यूशन की IPS डिस्प्ले दी गई है। 400 PPI इसकी पिक्सल डेंसिटी है। तो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन काफी हाई है। देखने में इसकी डिस्प्ले AMOLED जैसी लगती है, क्योंकि यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। 600 nits की इसकी ब्राइटनेस है। तो आउटडोर में इसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है। रेस टू वेक का फीचर भी इसका काफी ठीक वर्क करता है। 600 mAh की इसमें बैटरी दी गई है, काफी ह्यूज बैटरी का इसमें सपोर्ट है। दैट्स वाई वॉच थोड़ी सी बल्की है। तकरीबन 8 days का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है नॉर्मल यूजेस में। एंड अगर नॉर्मल कॉलिंग अगर आप इसमें करते हो तो 5 दिन का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है, बट अगर आप इसमें हैवीली कॉल को यूज करते हो एंड सेंसर्स को भी काफी हैवीली यूज करते हो तो आपको इसमें तकरीबन 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप में वॉच काफी अच्छी है। IP68 की इसमें रेटिंग दी गई है। तो अगर 1.5 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक भी रहती है तो इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है। आप इसको शावर में, रेन में भी यूज कर सकते हो आराम से। तो मेरे हाथ में वॉच काफी बल्की सी लग रही है, क्योंकि रिस्ट मेरी थोड़ी सी थिन है। अगर आपकी रिस्ट भी थोड़ी थिन है जैसे मेरी है तो आपके हाथों में थोड़ी सी ह्यूज लगेगी वॉच। अगर आपकी रिस्ट थोड़ी मोटी है तो वॉच आपके हाथ में काफी अच्छी लगेगी। वॉच का UI एंड टच रिस्पॉन्स काफी स्मूथ है, जैसा आप देख सकते हो। कोई भी ऐसा लैग मुझे इसमें फील नहीं हो रहा है। ऊपर इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू जहाँ पे DND, रेस टू वेक ऑन ऑफ कर सकते हो, ब्लूटूथ कॉलिंग, ब्राइटनेस कंट्रोल एंड सेटिंग ऑप्शन। सेटिंग में कुछ ऑप्शन अवेलेबल है, प्रेफरेंस हो गया, थीम आप चेंज कर सकते हो। इसमें 6 मेन्यू स्टाइल दिए गए हैं, अभी आगे हम इसके ऊपर आएंगे। कंपोनेंट एडिटिंग, डू नॉट डिस्टर्ब, टाइम फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट, वाइब्रेशन, इंटेंसिटी आप सेट कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग वीक। नीचे पे मैसेज आप चेक कर सकते हो। राइट में इसकी सारी शॉर्टकट ऐप्स हैं। स्पोर्ट बटन को प्रेस करके आप डायरेक्टली स्पोर्ट्स मोड पे एंटर कर सकते हो। तो इसमें दिए गए हैं 22 स्पोर्ट्स मोड, जो मुझे थोड़े से कम लगे। इंस्टॉल इसमें 7 वॉच फेस हैं एंड इसकी ऐप में और वॉच फेस आपको मिल जाएंगे, उसके लिए आप वीडियो को आगे देखते रहिए। लेफ्ट में इसका मेन्यू जहाँ पे स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, टेलीफोन यानी ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन, कॉल रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, डायल पैड यहाँ पे है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, अप टू 10 कॉन्टैक्ट इसमें ऐड हो जाते हैं। तो एक नंबर मैं डायल कर लेता हूँ। स्पीकर काफी लाउड है भाई इसका, इस तरीके से कॉल आती है इसमें। इसके अलावा हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग, SpO2, BP भी इसमें है। हार्ट रेट, SpO2 एंड BP को हम चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे हार्ट रेट को। यहाँ पे 89 आया है, यहाँ पे 87 के आसपास चल रहा है, 88। तो डेटा काफी क्लोज है दोनों का। SpO2 98-99, तो डेटा में थोड़ा सा यहाँ पे 19-20 का फर्क है। BP 173 एंड ये कितना एक्यूरेट है आई डोंट नो भाई। ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी आप इसमें कर सकते हो, वेदर, कैलेंडर, म्यूजिक प्लेयर का भी इसमें ऑप्शन है, तो अपने फोन के म्यूजिक को आप इसमें प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रीवियस, वॉल्यूम अप। जितनी भी वॉचेस हमने आज तक टेस्ट करी हैं, जिसमें आप फोन के म्यूजिक को वॉच में प्ले कर सकते हो, उसमें एक इशू फेस होता है। या फोन का कोई भी कंटेंट अगर प्ले कर रहे हैं तो उसकी आवाज भी आपकी वॉच में ही आती है, मतलब एज अ ब्लूटूथ स्पीकर आपके फोन के साथ वॉच पेयर हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे कंटेंट प्ले करूंगा कुछ, इसकी आवाज वॉच से आएगी।
बाकी कैमरा शटर QR कोड एंड सेटिंग यहाँ पे ऑप्शन है, बट इसमें कोई भी इनबिल्ट कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं है। ऐप देखिए तो क्यू वॉच प्रो नाम की ऐप को कंपनी यूज कर रही है। अभी कंपनी ने अपनी ऑफिशियल ऐप का यूज नहीं करा है, अभी कंपनी एक थर्ड पार्टी ऐप का यूज कर रही है। ऐप काफी सिंपल सी है, ये भी इसके होम पेज में सभी फिटनेस डेटा को आप चेकआउट कर सकते हो। अगला ऑप्शन है वॉच का, यहाँ पे कॉल अलर्ट को आप ऑन कर सकते हो, मैसेज नोटिफिकेशन, स्मार्ट रिमाइंडर, क्विक कॉन्टैक्ट आप ऐड कर पाओगे अपनी वॉच पे, फाइंड डिवाइस, टेक पिक्चर, वेदर फॉर्मेट वगैरह का यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे वॉच ऑप्शन, यहाँ पे वॉच फेस का ऑप्शन, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है डायल का। 118 इसमें क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस हैं, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। कस्टम वॉच फेस का भी इसमें ऑप्शन है, तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी वॉच फेस आप अपनी वॉच पे लगा सकते हो। तो इस वाली पिक को मैं लगा लेता हूँ। वॉच के टाइम को अबव या बिलो करने के लिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे स्टेप्स, कैलोरीज, वेदर एंड हार्ट रेट वगैरह की रीडिंग आप वॉच फेस में लगा सकते हो साथ में। लास्ट ऑप्शन है इसमें प्रोफाइल का, बट इसमें गूगल फिट ऐप या एप्पल हेल्थ या फिटनेस डेटा को सिंक करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो क्योंकि ये रगेड एंड आउटडोर टाइप की वॉच है, तो अगर आप काफी रफली इसको यूज करते हो तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी। बिल्ड इसकी काफी स्टडी है एंड ये स्क्रैच प्रूफ भी है, तो जल्दी से इसमें स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आएंगे। ग्लास भी इसका स्क्रैच प्रूफ कंपनी बोलती है, बट कौन सा प्रोडक्शन इसमें यूज किया गया है ये कहीं भी मेंशन नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं वॉच के सेंसर्स की, कैसे परफॉर्म करते हैं। सेंसर्स को मैंने जितना भी टेस्ट किया, सेंसर्स की परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छी लगी। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगी। सबसे पहले हमने टेस्ट किया था इसमें हार्ट रेट को, ऑक्सीमीटर एंड वॉच दोनों का डेटा काफी क्लोज सा आ रहा था, तो हार्ट रेट में वॉच काफी अच्छा परफॉर्म करती है। सेकंड हमने टेस्ट किया SpO2, तो वॉच में आ रहा था 98%, ऑक्सीमीटर में आ रहा था 99%, तो यहाँ पे भी इसका एक्यूरेसी रेट है तकरीबन 80% के आसपास। स्टेप काउंटर हमने वो भी इसका चेकआउट किया, वॉच को पहन के मैंने लिए 36 स्टेप्स एंड वॉच ने शो करे 36 स्टेप्स। स्टेप काउंटर इसका बिल्कुल एक्यूरेट आया है। स्लीप ट्रैकिंग भी मैंने इसका चेकआउट किया, मैं जितने बजे सोया जितने बजे उठा इसने तकरीबन उतनी ही टाइमिंग इसमें मेजर करी। एंड वॉच को पहन के मैंने दिन में एक छोटा सा नैप लिया था, बट इसने उस चीज को काउंट नहीं करा, तो स्लीप ट्रैकिंग में मैं बोलूंगा ठीक ठाक ये वॉच परफॉर्म करती है। तो अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोज इसकी बिल्ड एंड रगेडनेस, काफी रगेड बिल्ड के साथ ये वॉच आती है। सेकंड इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी है। थर्ड इसका बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा है, काफी ह्यूज बैटरी इसमें दी गई है। ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट है। कॉन्स की बात की जाए तो स्पोर्ट्स मोड इसमें थोड़े से कम प्रोवाइड किए गए हैं, ओनली 22 इसमें स्पोर्ट्स मोड है। आई थिंक थोड़े से और कंपनी को प्रोवाइड करने चाहिए थे। सेकंड जो इस वॉच का कॉन मुझे लगा, अगर आप इस वॉच को कनेक्ट रखते हो ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए अपने फोन से एंड अपने फोन में कुछ मीडिया प्ले कर रहे हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, तो उसकी आवाज आएगी आपकी वॉच से, तो ये भी इस वॉच का कॉन है। आई थिंक कंपनी को इस चीज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो अब इन द लास्ट बताते हैं कि आपको वॉच को परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। करंटली इसकी प्राइसिंग है 3,500 रुपए एंड 3,500 रुपए के हिसाब से भी वॉच काफी अच्छी मुझे लगी। सबसे पहले बिल्ड इसकी काफी रगेड प्रोवाइड की गई है, दिखने में वॉच काफी प्रीमियम सी लगती है। डिस्प्ले काफी ह्यूज है एंड जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है, क्योंकि रेजोल्यूशन डिस्प्ले का काफी हाई है एंड बैटरी बैकअप वो भी काफी इसका तगड़ा है। नॉर्मल वॉचेस में कंपनी प्रोवाइड करती है 280 एमएच की बैटरी या 300 एमएच की बैटरी, इसमें प्रोवाइड की गई है 600 एमएच की बैटरी। IP68 की रेटिंग है। हाँ, स्पोर्ट्स मोड इसमें थोड़े से कम है। तो अगर आपको एक रगेड लुक वाली राउंड डायल वाली वॉच चाहिए जिसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी हो, डायल थोड़ा सा ह्यूज हो, बैटरी बैकअप जिसका काफी अच्छा हो, इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट हो एंड सेंसर्स भी जिसके अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आप इस वॉच को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हो इस वॉच से रिगार्डिंग, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।